हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए ये सदाबहार का पौधा है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेके आई हूँ, जिससे कि आपको आसानी से अपने घर में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पौधा है सदाबहार का, इसे बोलते हैं, ये हमेशा रहता है, तो इसे बारहमासी पौधा बोलते हैं और ये काफ़ी लाभदायक होता है। इसका उपयोग दवा बनाने के लिए बहुत सारे रूपों में किया जाता है, जैसे कि इसका उपयोग मधुमेह, कैंसर और गले में खराश हो तब भी किया जाता है, और खांसी के रूप, जैसे खांसी के लिए भी इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है, और मूत्र संबंधी कोई प्रॉब्लम है तब भी इसका उपयोग किया जाता है, और अगर खून बह रहा है कहीं पे तो ये रक्तस्राव को रोकता है। जैसे इसे आप इसके पत्ती को पीस के लगा लेते हैं या इसके रस को, तो जो ब्लड निकल रहा हो जहाँ पे, उसका ब्लड निकलना बंद हो जाता है। और स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है जैसे कि, तो और जैसे कोई कीड़ा वगैरह काट लिया है और आँखों में जलन हो रही है, तो आप इसका रस निकाल के अगर डालते हैं आँखों में तो काफ़ी लाभ मिलता है। तो देखिए, सदाबहार का पौधा है और ये आसानी से इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि इसका बीज भी होता है, तो बीज को आप बो सकते हैं, और इसके ये है इसका बीज, और इसका जो कली होती है, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा कट करके देखिए, यहाँ से आप ऐसे भी इसे गाड़ देंगे तो कहीं भी बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। दो चार दिन में ये जड़ पकड़ लेता है, और ये बीज हैं तो बहुत ही आसानी से लग भी जाता है। और इसकी जो नरम नरम पत्तियाँ होती हैं, इससे अगर आपको शुगर है तो इसे आप जो सुबह बासी मुँह चबा चबा कर खाते हैं तो आपका शुगर भी कंट्रोल रहता है। और ये जो इसका रस, देखिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ, इसको आप रस, जैसे गांव में हूँ तो इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेके रगड़ देंगे और ऐसे निचोड़ देंगे, देखिए तो बहुत ही आसानी से इसका रस निकल जाता है। तो इस रस को स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है जैसे कि हाथों में, तो आप उसे लगा सकते हैं। जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो ये काफ़ी लाभ देता है। और ये दूसरी है उसका प्रजाति, जैसे पिंक कलर का होता है फूल और एक होता है वाइट कलर का, जो भी आपके पास है उसे आप यूज करें। तो ये बहुत सारी चीज़ों में, बाल अगर झड़ रहे हैं तो बालों को भी अगर आपको पीस कर लगाते हैं तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं।